ऑप्शनल है, और मैंने थोड़ा सा इसमें बादाम काटा है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कप लिया हुआ है, आप बच्चे लोगों को ऐसे दाने सिंगर के थे तो बच्चे बहुत शौक से इसे खाते हैं। ये बिल्कुल ठंडा है, ये देखिए मैं एक चम्मच ये डाल रही हूँ। चम्मच इसमें जो है ये रूअफ़ज़ा डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है।
कोर्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कुछ भी। ऐसे डेकोरेशन करके अगर हम बच्चे को देते हैं तो बच्चे तो वैसे फ्रूट खाना पसंद नहीं करते हैं, बट ऐसा डेकोरेशन करके आप देंगे तो बच्चे दोबारा फिर से मांगेंगे। बच्चे लोग फ्रूट के इसके साथ में फ्रूट्स भी खा लेंगे और मम्मी लोगों को टेंशन रहता है कि बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ये आप ऐसा देख के बना के आप जरूर दे बच्चे को। और दूसरा मैं एक गिलास और बनाती हूँ, ये देखिए एक कप मैंने डेकोरेट कर लिया और मैं दूसरा कप डेकोरेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें फ्रू अफ्जा डालूंगी, थोड़ा सा डेकोरेट करके देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं हल्का सा में ये मेरे पास में टूटी फ्रूटी है, जो इसमें डाला है वो मिल्की बार मैं इसमें डाल रही हूँ, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स। मिल्की डालने से बच्चे लोग एक कप की जगह दो कप पसंद करेंगे खाने के लिए। लास्ट में साइड में मैं इसमें ये डाल दे रही हूँ, केले से साइड साइड में
डेकोरेट कर दे रही हूँ गाइस, ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने टू टाइप्स ऑफ आपको कस्टर्ड का डेकोरेट करके आपको दिखाया है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी लुकिंग आ रही है। बच्चे को आप ऐसा बना के डेकोरेट करके आप जरूर दें बच्चे को। बच्चे एक गिलास नहीं, बच्चे बार बार इसे मांगेंगे। आप ही बोलेंगे बच्चे पहले तो फ्रूट्स खाते नहीं थे, आप ऐसा डेकोरेट करके बच्चे खाने लगे, बार बार आपको परेशान करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा आप जरूर बनाइएगा और अपने बच्चे को जरूर खिलाएं। आप ऐसा डेकोरेट करके देंगे बच्चे बार बार मांगेंगे। गाइस मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा देखना है प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें।